एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। तो अभी तक हेलो कर दो ज़रा सा। हेलो। तो आज का जो वीडियो है वो मैं उसमें बताने वाली हूँ, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। और वो है इंडियन ग्रॉसरी का प्राइस यहाँ पर क्या है। इंडियन ग्रॉसरी मतलब जो हम इंडियंस अपनी कुकिंग में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, वो सारी चीज़ें। जैसे नॉर्मल ग्रॉसरी आइटम्स जो हो गए वो सुपरमार्केट्स में अवेलेबल हैं, बट कुछ इंडियन ग्रॉसरी आइटम्स हैं जो यहाँ पर बिल्कुल भी बहुत ही रेयर हैं। जैसे कि इंडियन मसाले, इंडियन मसाले में छोले, चाट, चना मसाला, पाव भाजी मसाला, ये सारे मसाले यहाँ पर अवेलेबल नहीं होते हैं मार्केट में, नॉर्मल सुपर मार्केट्स में अवेलेबल नहीं होते हैं। यहाँ पर रेड चिली आपको मिल जाएगी, आपको टर्मरिक हल्दी मिल जाएगी, सॉल्ट मिल जाएगा, जीरा भी शाही जीरा मिल जाएगा, और लाल मिर्च, यस इतना ही मिलता है यहाँ पर। धनिया, खड़ी धनिया मिलेगी आपको, खड़ी धनिया जो कि वो क्रश वाले बॉक्स में मिलती है। आपको यूं यूं घुमाओगे तो धनिया यूं ना स्प्रिंकल हो जाएगी। तो धनिया हो गई, लाल मिर्च हो गई और काली मिर्च हो गई, नमक हो गया, हल्दी हो गई, ये आपको नॉर्मल स्टोर्स में अवेलेबल हो जाएगा, मिल जाएगा बहुत ही आराम से। और बाकी चाय की बात करूँ तो चाय पत्ती यहाँ पर जो मिलती है वो डिफरेंट वैरायटीज की चाय पत्ती मिलती है। मेरे पास पूरा कलेक्शन है चाय पत्ती का, बट उसमें से कोई भी एक काम की नहीं है। तो चाय पत्ती यहाँ पर जो इंडियन वाली है वो आपको इंडियन ग्रॉसरी स्टोर से ही लेनी पड़ती है। और बाकी यहाँ पर जो हम तूर दाल खाते हैं, चना दाल खाते हैं, मूंग की दाल खाते हैं, छिलके वाली मूंग की दाल, उड़द दाल, ये सब भी इंडियन ग्रॉसरी स्टोर में ही अवेलेबल होती है, नॉर्मल अवेलेबल नहीं होती है। जो ये लोग राइस खाते हैं वो राइस थोड़े से मोटे होते हैं और कई बार चिपचिपे भी होते हैं, और पावा बॉल्ड राइस भी आते हैं, तो वो भी हमें क्या होता है, हमें आदत होती है कि हम पतले या फिर छोटे अलग अलग वाले राइस खाने की आदत होती है, जो कि मुझे स्पेशली है, तो वो भी हमें इंडियन ग्रॉसरी स्टोर से लेने पड़ते हैं। तो मैंने क्या, यहाँ पर नॉर्मल ग्रॉसरी स्टोर में राइस मिल जाते हैं जो कि अच्छे होते हैं, ऐसा नहीं है कि वो ख़राब होते हैं, बट हमें क्या है ना, आदत होती है बासमती चावल खाने की, बासमती की डिफरेंट टूटी वाली वैरायटी, मतलब छोटे छोटे जो बासमती होते हैं वो खाने की। तो स्पेशली वो सारा इंडियन स्टोर में मिलता है, जैसे चने की दाल का आटा हो गया, मतलब जिसे अपन बेसन कहते हैं, वो भी अपन को नॉर्मल ग्रॉसरी स्टोर में मिलेगा। यहाँ पर आटे की 100 वैरायटी हैं जो कि आपको नॉर्मल स्टोर में मिल जाएंगी, लेकिन उनके कई सारे टिप होते हैं। टिप मतलब कि जितना कम टिप होगा, लेकिन 400 टिप, 300 टिप, ये सारे टिप के आटे बहुत पतले होते हैं। जितना ही आप हाई टिप में जाओगे, मतलब 1100 टिप, 1700 टिप, उतने ही आपको आटे मोटे मिलेंगे, मतलब उतने ही वो आटे हमारे आटे के क्लोजर पहुंचते जाएंगे। और जितना ही आप कम टिप का लोगे, वो आपके आटे बहुत बहुत बारीक होगा और वो मैदा होगा इक्वल टू। तो कई सारे टिप के यहाँ पर आटे आते हैं जो कि इन लोग बेकरी के लिए यूज़ करते होंगे, इसलिए बहुत वेराइटीज़ है आटों की, मतलब आप समझ नहीं पाओगे। इट्स लाइक ब्रासनो यहाँ पर आटा को बोलते हैं, और वो बहुत वेराइटी है। सिमिलरली सूजी जो आती है, सूजी की भी बहुत वेराइटी है, 400, 500, 600, डिपेंड कि कितनी बारीक है वो और वो कितनी मोटी है। तो मैं हमेशा कम टिप की सूजी लेती हूँ, क्योंकि मैं उसको चीला बनाने के लिए या फिर डोसा बनाने के लिए यूज़ कर लेती हूँ। तो सूजी, आटे की भी कई अच्छी वैरायटी मिल जाती है, लाइक 1700 का एक डिफरेंट टिप का आटा है, जिसको आप नॉर्मल आटे के साथ मिक्स कर दो, मतलब जो यहाँ पर मोटा आटा मिलता है उसके साथ, तो फिर वो काफ़ी अच्छी रोटियाँ बनती हैं। तो अभी तक हम वही रोटियाँ खा रहे थे जो यहाँ के आटे की थी, मतलब यहाँ की जो सुपर मार्केट से हमने आटा लाया था, तो उसमें हमने काफ़ी रिसर्च करके एक वैरायटी चूज़ की। उसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी कि अगर आप यहाँ के सुपर स्टोर से आटा लेते हो तो वो कौन सा आटा लेना चाहिए जिससे आपकी रोटियाँ परफेक्ट बनेंगी, और वो रोटियाँ भी बहुत अच्छी बनती हैं। लाइक कि मैं जौ का आटा प्लस इंटीग्रल करके एक आटा मिलता है वो, और एक ब्रासनो में सरनो होता है उसका टिप, 1100 मिला के बनाती थी तीनों आटों को, और वो रोटियां बहुत फैंटेस्टिक बनती थी। तो ये तीन आटे मिला के हमें रोटियां खानी पड़ती है अगर हम यहाँ की सुपर मार्केट से आटा लेते हैं। बट अगर हमें आटा प्रॉपर चाहिए, जो कि हम इंडियन आटा जो होता है, गेहूं वाला आटा, तो ये भी होता है बट बहुत फाइन होता है, बट जो इंडियन आटा जो हम खाते हैं बेसिकली, चाहे वो आशीर्वाद हो या फिर पिल्सबेरी, कोई भी आटा हो, तो वो आटा आपको इंडियन ग्रॉसरी स्टोर में ही मिलेगा। तो वो आटा हमें मंगाना पड़ता है, और प्लस चने की दाल का आटा और सब कुछ टिपिकल टिपिकल चीज़ें, जैसे कि चाय की पत्ती हो गई, तो ये सब चीज़ें हमें इंडियन ग्रॉसरी स्टोर में मिलती है। मसाले हो गए, पापड़ हो गया, नमकीन हो गई, ये सारी चीज़ें इंडियन ग्रॉसरी स्टोर में अवेलेबल है। बट नॉर्मल चीज़ें शक्कर और दही, दूध और मैदा, चावल और बहुत सारी चीज़ें हमें नॉर्मल सुपर स्टोर में मतलब मिल जाती हैं, तो और कोई दिक्कत नहीं है। बट हाँ, कुछ टिपिकल चीज़ें जो हमें इंडियन ग्रॉसरी स्टोर से लेनी होती हैं, तो वो आज मैंने कई सारी चीज़ें मंगाई हुई हैं,
और इसलिए मैं आज आपके साथ इस वीडियो में टिपिकली सारी चीज़ें शेयर करूंगी कि इंडियन ग्रॉसरी का प्राइस यहाँ पर क्या है, मतलब जो प्राइस हम इंडिया में पे करते हैं ग्रॉसरी का उसमें और यहाँ के प्राइस में बहुत अंतर है। लाइक यहाँ का प्राइस ये है तो इंडियन ग्रॉसरी का प्राइस इंडिया में ये है और यहाँ पर ये है, तो इट्स लाइक कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। ये प्राइस इंडिया का है और ये प्राइस यहाँ पर जो इंडियन ग्रॉसरी मिल रही है उसका है, तो डिफरेंस है कई चीज़ों में है और कई चीज़ों में बहुत ज़्यादा पता नहीं चलता, बट हाँ डिफरेंस है। तो अभी मैं आपको बताती हूँ, वैसे भी ग्रॉसरी चाहे इंडियन हो और चाहे नॉर्मल हो, ग्रॉसरी प्राइस में डिफरेंस है। यहाँ पर ग्रॉसरी महंगी है और ऑब्वियस भी है, थोड़ा सा तो डिफरेंस आता ही है। तो अभी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ फटाफट से कि क्या है यहाँ पर प्राइस और हमने कहाँ से मंगवाया है और हमें डिलीवरी चार्जेस कितने पे करने पड़े। और हमने कुछ चीज़ें बल्क में मंगाई हैं, लाइक क्योंकि डिलीवरी चार्जेस जो हैं हमारे लगने ही थे, तो हमने सोचा कि क्यों ना एक बार में चीज़ें मंगा ली जाएँ ताकि वो 2-3-4 महीने चल जाएँ। तो इट्स लाइक दैट, तो काफ़ी सारा कई सारा आइटम काफ़ी बल्क में है और थोड़ा बहुत आइटम जो मैंने यहाँ से लिया था, यहाँ की शॉप से लिया था, वो भी मैं आपको शो कर दूंगी। बाकी तो कई सारे पैकेट्स मैंने पास्ता वगैरह के खोल लिए हैं, तो आई एम नॉट गोइंग टू शो इट टू यू, बट फिर कभी मैं दोबारा से यहाँ की सुपरमार्केट से जब भी शॉपिंग करूँगी तो आई विल शो यू कि यहाँ पर जो चीज़ें मैं लेती हूँ यहाँ पर अवेलेबल होती हैं बहुत ईजिली, क्योंकि हम हमेशा तो बाहर से नहीं मंगवाते इंडियन स्टोर से, बट कई बार हमें यहीं से नॉर्मल चीज़ें आराम से मिल जाती हैं। मतलब आपका काम यहाँ पर भी चल सकता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा इंडियन ग्रॉसरी स्टोर ही जाओ। चाय पत्ती और तूर की दाल के लिए आपको इंडियन ग्रॉसरी स्टोर जाना पड़ेगा, इसके अलावा बाकी सारी चीज़ें यहाँ के सुपरमार्केट में इजीली अवेलेबल हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मसाले के लिए, तो मसाले अगर आप एक बार भी मंगवाते हो तो 6-7 महीने चल जाएंगे आपके, बट हाँ नॉर्मल जो डेली यूज़ में चीज़ें हैं, दूध दही चीज़ बटर ये सारी चीज़ें, ब्रेड एग एंड एवरीथिंग, शुगर सूजी आटा चावल ये सब कुछ ये नॉर्मल इंडियन ग्रॉसरी स्टोर में बड़े अच्छे से अवेलेबल है। यहाँ तक कि नारियल भी अवेलेबल है, नारियल का दूध भी अवेलेबल है, फ्रेश क्रीम अवेलेबल है, कर्ड की डिफरेंट वेराइटीज़ अवेलेबल है, तो एवरीथिंग इज़ अवेलेबल हियर ओनली। तो इंडियन ग्रॉसरी के लिए, ग्रॉसरी स्टोर जाने के लिए सिर्फ हमें टिपिकल ग्रॉसरी ही चाहिए होती है, तभी हम जाते हैं, अदरवाइज एवरीथिंग इज़ अवेलेबल इन नियर बाय सुपरमार्केट। सो आज टिपिकल जो हमारा है वो है इंडियन ग्रॉसरी के ऊपर। तो इंडियन ग्रॉसरी यहाँ पर जो हमने इंडियन स्टोर से मंगाई है उसका प्राइस क्या है ये मैं आपके साथ क्विकली शेयर करूँगी, प्लस जो थोड़ी बहुत ग्रॉसरी यहाँ के मार्केट से हमने ली थी वो मैंने अलग से रख रखा है, उनको भी मैं शेयर करूँगी। तो क्विकली मैं शुरू करती हूँ आपको बताने के लिए कि कहाँ कितना प्राइस है और हमने कहाँ से मंगवाया है, फिर मैं लास्ट में वीडियो के बताऊँगी। ओके तो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है दावत का 20 kg का बासमती जो कि ब्रोकन है, तो ये मुझे पड़ा है कि पूरा का पूरा 20 kg का मुझे पड़ा है 1900 समथिंग का, 1932-33 इट्स लाइक दैट। तो यहाँ पर ही 20 kg की पूरी बोरी आ गई है 1900 में। यहाँ पर मैंने पिल्सबरी का आटा लिया है और ये 10 kg के 4 पैकेट्स लिए हैं मैंने, 10 10 kg के, तो टोटल 40 kg है। और ये 40 kg आटा पड़ा है मुझे टोटल, इन टोटल मैं बता रही हूँ 65.98 यूरोज़ का, जो कि इंडियन रुपीज़ में अगर हम इसे कन्वर्ट करेंगे तो ये 5327 के अक्रॉस पड़ा है मुझे। तो 5327 का 40 kg आटा है जो कि मुझे लगता है थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, क्योंकि आटा इतना महंगा नहीं होता है इंडिया में, तो ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है आटा। तो यहाँ पर हमें 5327 का ये 40 kg आटा पड़ा है, 10 kg पर 10 kg एक पैकेट में है और ये 40 kg टोटल है 4 पैकेट्स मिला के। तो मैंने ये बल्क में मंगवा लिया है। यहाँ पर तूर दाल है जो कि 2 kg का पैकेट है एक, और मैंने ऐसे 2 पैकेट लिए हैं तो टोटल 4 kg दाल है, और ये 4 kg दाल मुझे टोटल पड़ी है 1291 रुपीज़ की, जो कि मैं इसको अगर यूरो में कहूँ तो 15.98 यूरोज़ की पड़ी है। तो तुअर की दाल थोड़ी सी यहाँ पर महंगी है, और थोड़ी सी क्या काफ़ी ज़्यादा महंगी है, क्योंकि अगर आप हिसाब लगाओ तो इंडिया के हिसाब से इसका प्राइस ज़्यादा है। तो 1290 की ये मुझे 4 kg तुअर की दाल पड़ी है। यहाँ पर ये उड़द की दाल है, और उड़द की दाल मैंने 500 ग्राम ली है, 500 ग्राम उड़द की दाल मुझे पड़ी है यहाँ पर 1.99 यूरोज़ की। अगर आप उसको इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करते हैं तो इट्स 160 फॉर हाफ के जी, तो इट्स 160 फॉर हाफ के जी। तो यहाँ पर मैंने लिया है दलिया जो कि 500 ग्राम्स का एक पैकेट है, तो मैंने 2 पैकेट लिए हैं ऐसे,
और ये दोनों पैकेट मुझे 3.98 यूरोस के पड़े हैं, जिसे अगर हम इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करेंगे तो 322 के आसपास ये पड़ेगा, 322 इंडियन करेंसी में पड़ेगा ये, 322 रुपीज़ का। तो यहाँ पर 1 kg दलिया 322 रुपीज़ का है। अब है ये चने की दाल, तो चने की दाल का 2 kg का पैकेट है ये, और ये 2 kg का पैकेट मुझे चने की दाल का पड़ा है 6.98 यूरोज़ का। तो अगर इसे इंडियन करेंसी में अगर आप कन्वर्ट करेंगे तो 564 रुपये, 564 के अक्रॉस पड़ी है अप्रॉक्स हमें ये 2 kg चने की दाल। एग बीन्स हैं और ये ब्लैक बीन्स का 500 ग्राम का है, मतलब 1/2 kg का पैकेट है, और ये यहाँ पर मुझे पड़ा है 184 रुपीज़ में। अगर मैं इंडियन रुपीज़ में बताऊँ तो 184 रुपीज़ में, और अगर हम यूरो में बात करें तो 2.29 यूरोस का है। तो 184 रुपीज़ का 1/2 kg ये मुझे ब्लैक आई बीन्स पड़ा है। अब यहाँ पर आती हूँ मैं बेसन में। तो यहाँ पर बेसन है, मैंने 1 kg बेसन लिया हुआ है, और इस बेसन का प्राइस अगर आप यूरोस में देखेंगे तो 3.49 यूरोस का है। इंडियन करेंसी में इटेक्रॉस 280 का ये आपको पूरा 1 kg का बेसन मिल जाएगा, 280 रुपये में 1 kg बेसन। तो यहाँ पर काले चने हैं, तो काले चने जनरली हम लोग ना भिगो के खाते हैं, लाइक स्प्राउट करके, तो ये हमने थोड़ा ज़्यादा क्वान्टिटी में मंगा लिए, ख़राब भी नहीं होते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसे 2 kg के ना 4 पैकेट्स मंगाए हैं, तो टोटल 8 kg है काला चना, और ये मुझे 22.58 यूरोज़ के पड़े हैं। तो अगर आप इसे इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करेंगे तो ये 1850 के अक्रॉस मुझे पड़े हैं, 1830-35 ऐसा कुछ अगर कन्वर्ट करोगे तो लमसम इतना आएगा आपका। तो ये 8 kg चने जो हैं ये 1800 या 1850 आप कह सकते हैं इसके अक्रॉस है। तो ये 8 kg चने मैंने स्प्राउट के पर्पज़ से मंगवाए हैं, क्योंकि हम जनरली खाना पसंद करते हैं स्प्राउट। तो यहाँ पर ये ग्रॉसरी जो मैंने इंडियन स्टोर से मंगवाई है, इसका मैंने आपको प्राइस बता दिया। अब मैं वो ग्रॉसरी का प्राइस बताऊँगी जो हमने यहाँ के सुपरमार्केट से मिली ली है, तो आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा। तो ये है राजमा, सफ़ेद वाले राजमे हैं, और यहाँ पर ये है पैकेट 1 kg का। अगर आप देखो तो ये 1 kg का पैकेट है राजमे का, और ये राजमा यहाँ पर मुझे इंडियन रुपीज़ में पड़ा है 138 का। तो यहाँ पर ये राजमा है 138 रुपीज़ का, ये राजमा भी यहाँ पर अवेलेबल है। और यहाँ पर ये काली मिर्च का जो पैकेट है, तो काली मिर्च मुझे पड़ी है 182 रुपीज़ की, ये मेरे ख्याल से 100 ग्राम है, तो 182 रुपीज़ की मुझे 100 ग्राम काली मिर्च का पैकेट पड़ा है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये छोले का पैकेट है, और छोले का पैकेट है 500 ग्राम्स का, मतलब 1/2 किलो छोले का पैकेट है, और ये 1/2 किलो छोले का पैकेट मुझे 193 रुपीज़ का मिला है, मतलब 193 का 1/2 kg छोले यहाँ पर मिलता है। अच्छा, अब यहाँ पर ये लॉन्ग ग्रीन वाइट राइस है, ये भी बहुत अच्छा होता है, बट एक्चुअली दिक्कत क्या है इसमें, ये बनाने के बाद थोड़े से चिपचिपे हो जाते हैं। तो ये यहाँ पर मुझे पड़ते हैं 150 के पर केजी, 150 का पर केजी, मतलब 1 kg का पैकेट है, और ये मुझे पड़ता है 150 का। यहाँ पर ये राइस है, ये भी मोटे वाले राइस हैं ये, लेकिन ये पारबॉइल्ड राइस हैं जो कि अच्छे होते हैं डायबिटीज़ के लिए। तो ये 1 kg मुझे यहाँ पर 84 रुपीज़ का पड़ जाता है। तो यहाँ पर ये 2 पैकेट्स मैंने पारबॉइल्ड राइस लिए हैं, जो कि मैं लेकर आई हूँ। एक्चुअली सामान रहता है तो ज़्यादा ठीक रहता है। यहाँ पर ये है मसूर की दाल का 500 ग्राम का, मतलब 1/2 kg का ये मसूर की दाल का पैकेट है, जो कि मुझे 88 रुपीज़ का पड़ता है इंडियन रुपीज़ में। तो ये बहुत सही है, मतलब ये बहुत महंगा मुझे नहीं लगा। ये है सूजी, ये पड़ती है मुझे इंडियन रुपीज़ में 91 रुपीज़ की, और ये 1 kg का पैकेट है, और यहाँ पर आप देख रहे होगे टिप लिखी हुई है, टिप 400, टिप 400 मतलब है ये काफ़ी बारीक है। इसी तरीके से 500-600 टिप भी आता है, तो वो थोड़ी मोटी होती है, तो मैं बारीक इसलिए लेती हूँ क्योंकि मुझे डोसा बनाने वगैरह के लिए भी यूज़ में आ जाती है। तो यहाँ पर ये सूजी है जो कि मुझे 91 रुपीज़ का पर केजी का पैकेट पड़ता है। यहाँ पर ये मटक है, जिसे यहाँ ग्रासक बोलते हैं, तो ये सूखी ग्रीन मटर है, और ये चाट वगैरह बनाने के लिए यूज़ होती है, सब्जी बनाने के लिए भी यूज़ होती है। तो यहाँ पर ये मटर मुझे पड़ती है करीब 80 रुपीज़ की, 80 रुपीज़ की, 81 रुपीज़ का मुझे 500 ग्राम का पैकेट पड़ता है। ये 500 ग्राम का पैकेट है जो मुझे 80 रुपीज़, 81 ऐसे कभी कभी प्राइस में मिल जाता है। तो ये था मेरा इंडियन ग्रॉसरी का वीडियो, कैसा लगा आपको, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। और इसमें मैंने काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन इसलिए शेयर की है क्योंकि कई सारे लोग हैं जो यहाँ पर आएंगे और उन्हें कितने का पड़ने वाला है, तो उनको थोड़ा सा रफली आइडिया लग जाएगा कि कितने की ग्रॉसरी होती है। तो यहाँ पर जो ग्रॉसरी मैंने इंडियन स्टोर से मंगवाई है, इंक्लूडिंग देयर डिस्पैच चार्जेस, जो कि वो कुरियर चार्जेस लेते हैं,
तो वो भी जो भी चार्जेस लगे हैं उन सबको मिला के ये मुझे इंडियन ग्रॉसरी जो पड़ी हुई है, जो कि मेरे 3-4 मंथ्स के लिए, तो आई गेस मुझे लगता है आटा और ये सारी चीज़ें मेरी चल जाएंगी, दालें 4-5 मंथ्स भी चल सकती हैं, तो ये मुझे पड़ी है अक्रॉस 14,000 की। और नॉर्मल ग्रॉसरी भी मैंने आपको दिखा दी, उसका प्राइस मैंने कैलकुलेट नहीं किया है, जो कि मुझे नॉर्मल सुपर मार्केट से मिल जाती है। तो आपको इससे आई गेस काफ़ी आइडिया लग गया होगा कि कितने का है। और ये सारा जो मैंने आइटम है वो दुकान से लिया था। दुकान यहाँ पर एक ऑनलाइन ग्रॉसरी स्टोर है जो कि इंडियन आइटम्स स्पेशली देता है, उसमें कई सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, आप कुछ भी ले सकते हो। मुझे जिस चीज़ की नीड थी वही चीज़ें मैंने अभी मंगवाई हैं, आगे मैं और चीज़ें मंगवाऊंगी तो उसका वीडियो भी आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।